सबको हुकूमत सिंध की तरफ से और सिंध के लोगों की तरफ से इस 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पे खुश आमदेद कहता हूँ। मैं आर्ट्स काउंसिल के अहदेदारान और मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम हमारे सूबे सिंध में किया, और सिंध से बेहतर जगह पाकिस्तान में क्या मेरे ख्याल दुनिया में नहीं है, इसलिए कि ये हमारा सूबा सूफियों का सूबा कहलाता है। ये हमारा सूबा बाबुल इस्लाम भी कहलाता है, इसलिए कि इस्लाम इस रीजन में सिंध से ही आया। और एक और फख्र हमें हासिल है कि यहाँ से 100 मीटर के फासले पे सिंध असेंबली है, और सिंध असेंबली ने ही सबसे पहले, सिंध के लोगों ने ही सबसे पहले पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, जिसकी वजह से ये हमारा प्यारा मुल्क हमें मिला। उस वक्त भी काफ़ी शाह थे असेंबली में वैसे और मुझे, मैंने अनवर भाई से कहा था जब बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी अब हम इस्लामाबाद जाएंगे मरने नहीं मारने, मैंने कहीं मरवाने की बात कर रहे हैं दोबारा तो लेकिन हमारे सूबे से हमेशा अमन का पैगाम गया है, हमारे सूबे से हमेशा भाईचारे का पैगाम गया है। इस खित्ते के लोग ही ऐसे हैं, हम चाहे जितना भी आजकल हम बात की थी, बड़ी कोशिश करते हैं कि बदतमीजी कर सकें, इसलिए कि एक माहौल बदतमीजी का बरपा हुआ हुआ है, जितनी कोशिश करने हमसे बदतमीजी नहीं होती। और अगर हम उकता के, जैसे मैंने कहा ना, चिड़ हो गई किन चीजों से, अगर किसी को कहते हैं, वो आप सरदार शाह से कहते हैं यार असेंबली में जरा अग्रेसिव बोलो, तो अच्छे अच्छे शेर सुनाने शुरू कर देता है और हमारी सकाफत के बारे में बात करना शुरू करता है। यह हाल हमारा, तो ये सूबे के लोगों की बात है कि हम अच्छा बोलने वाले, लोगों के लिए अच्छा सोचने वाले, हमेशा अपनी बाहें खुली रखने वाले लोग हैं, और ये हमारे खून में, यह इस धरती की पानी और इसकी मिट्टी में है कि ऐसा हो जाता है। और जो अगर कुछ दिनों के लिए भटक भी जाता है तो वापस ठीक भी हो जाता है इसी सूबे में आके। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर एक तो कर भी नहीं सकूँगा, इतने सारे अदीब लोग मौजूद हैं। मैं जैसे बताया इंजीनियर हूँ, वो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की बहुत आती है, जब अदब और सकाफत की बात आती है तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता हूँ। लेकिन मैं ज़रूर आप सारे मुअज़्ज़िन और एक ओपिनियन मेकर्स, मैं कहूँ कि इधर मेरे सामने बैठे हैं, अहमद शाह ने बताया 14-15 साल से यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल पे मौजूद हैं, इसी तरीके से हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे तो हमने कल अपनी 55वीं सालगिरह मनाई है, लेकिन रीसेंट पास्ट हम पिछले 14-15 साल से कम अज़ कम इस सूबे के लोगों की नुमाइंदगी करके हुकूमत में हैं। और मैं ज़रूर आप ओपिनियन मेकर्स को बताना चाहता हूँ, जैसे कि इस सूबे को ये हासिल है एजाज कि हम कहते हैं कि जी इस्लाम यहाँ से फैला, पाकिस्तान की करारदाद हमने पास की। सूबे में पिछले 15 साल में भी हमने कई ऐसे काम किए हैं जो कि बाकी सूबों में अभी नहीं हुए। और मैं थोड़े से हुकूमत की बात करना चाहूँ, करना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम के जी जो वैसे मैं शुक्रगुजार हूँ अनवर मसूद साहब का कि उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारी हुकूमत को कि पिछले 15 साल में आर्ट्स काउंसिल में जो हम देख रहे हैं, और ये वाकई एक कल्चरल सेंटर पाकिस्तान का बन गया है, उसमें हुकूमत सिंध की उतनी ही कंट्रीब्यूशन है जितनी आप सब की है इसके अंदर। और वो वजह यही है, मैं बताऊं, हमारे शहीद बानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब सकाफत की मिनिस्ट्री पहले उन्होंने ही पाकिस्तान में शुरू की थी, तो हम कैसे उन चीज़ों को
छोड़ सकते, चाहे मैं बड़ा बदजौक हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन वो चीज़ें कैसे हम बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, मैं एक दो चीज़ों पे सिर्फ टच करूँगा। हमारे सूबे में और आज से कोई दो महीने बाद या तीन महीने बाद, दो महीने बाद फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम इंशाल्लाह उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हेल्थ में मैं सिर्फ एक आपको दूंगा कि कैंसर के इलाज के लिए मोस्ट मॉडर्न रेडिएशन फैसिलिटी, साइबर नाइफ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वो सिर्फ जिला अस्पताल में है, दो मशीनें सिंध हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्राइवेट सेक्टर से डोनर्स हैं वो हैं। और दुनिया में जहाँ तक मुझे याद है 27 मुल्क हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट है, पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के अंदर, कराची के अंदर है पब्लिक सेक्टर में, और दुनिया में कहीं पे भी ये मुफ्त नहीं है, यहाँ पे ये मुफ्त दिया जाता है, इलाज किया जाता है। और इस इलाज की कॉस्ट, ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है, आजकल $60,000 से $1,20,000 तक वेरी करती है। और ये सारे की सारी सिंध हुकूमत, बातें तो बहुत होती हैं, हम पे तनकीद भी बहुत होती है, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं, ट्रांसपोर्ट चला दिए मतलब भाई थोड़ी बहुत मेरी जब भी बात होती तो, लेकिन कुछ जो किया है बता दें। मैं ये वाहिद सूबा है जिसने दरियाए सिंध पे एक नहीं दो ब्रिजेस सूबे ने बनाई है, किसी और सूबे ने नहीं बनाई, फेडरल गवर्नमेंट बनाती रही है। ये वाहिद सूबा है जहां पे सूबाई हुकूमत ने थरपारकर में इस्लामपोर्ट में एयरपोर्ट बनाया है, नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है जगह पे। ये वाहिद सूबा है जहां पे हमने एक ट्रांसमिशन कंपनी, हमें मसले हो गए थे, आजकल भी होते रहते हैं, वफाक हमारा मुल्क इतना मैच्योर नहीं हुआ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन चलो अच्छा है कि कुछ सालों से ऐसा होता है कि सूबों में एक पार्टी की हुकूमत होती है, वफाक में किसी और की होती है। हमें आइन के जरिए साथ मिलके और साथ चलना चाहिए। अभी हम असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं शायद थोड़ा दूसरा भी मैं कहता हूँ, ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मेच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आइन में इजाजत है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो, ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। तो खैर वाहिद सूबा है जो ट्रांसमिशन कंपनी जिसने बनाई, और इसी वजह से ये सूबा हमेशा नजरों में भी होता है, इसलिए कि हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नए नए एक्सपेरिमेंट जरूर करती है, और हम हमारा सूबा इस मुल्क की एनर्जी बास्केट है, थरपारकर का कोयला जिससे हम, जो कोई नहीं मानता था आज से 10 साल पहले, इसी वक्त 10 साल पहले कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन हम तकरीबन 3000 मेगावाट के करीब इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ठीक है सकाफती तौर, सकाफती एरिया में तो हम थोड़ा, और उसमें भी सरदार शाह साहब, मेरे ख्याल है जितनी इवेंट्स सूबे सिंध में होते हैं और किसी सूबे में नहीं होते, सवाल ही नहीं, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ विदाउट नोइंग के हो नहीं सकता, इसलिए कि जितने फोकस हम डालते हैं, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इन्हें हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं तो जाकर खुद कहते हैं मैं कल्चर मुझसे नहीं लेना, बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं लेना कोई चीज़, इसलिए कि एक पैशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस सूबे को हम और आगे ले जाएंगे, और इसी सूबे के जरिए, इस सूबे में काम करके हम
उर्दू में तो सचल सरमत सिंध में बैठ के शायरी कर रहा था। हमने उस जमाने से उनको साथ रखा हुआ है, हमने कभी उनको नहीं छोड़ा। सिंध ने लीड लिए हमेशा। उसमें मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि पाकिस्तान की आज तक की तारीख में सरकारी सतह पे कभी मौसीकी के और आर्ट के असातिज़ा सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं हुए, नहीं लिए गए। सिंध पहला सूबा है जो मौसीकी और आर्ट के असातिज़ा अपने स्कूल्स में ले रहा है। हमारा पॉइंट एक है कि हमें अपना वो उरूज वापस देना है जो किसी ज़माने में, जो हमारी असास है, इस खित्ते की जो असास है, वो असास जो अमीर खुसरो ने, जो शाह लतीफ़ ने, जो बुल्ला शाह ने, सब ने मिलकर जो हमें दी है, उसको हमें उस लेगेसी को कंटिन्यू रखना है। वो है आर्ट, इल्म, अदब, इसके तुफैल हमें आगे ले चलना है। हमने आर्ट के इंस्टीट्यूट बनाए हैं, हमने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स कायम किया है सिंध में। हम यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल्स का एक सिंध में नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, जिसमें शाह साहब, अमन शाह साहब उसको लीड ले रहे हैं। सखर आर्ट्स काउंसिल, लारकाना आर्ट्स काउंसिल, हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल, मिरपुखास आर्ट्स काउंसिल, कराची आर्ट्स काउंसिल, जहाँ पे बात आपकी होगी, जहाँ पे बात हमारी होगी, जो हम चाहते हैं। तो इस हवाले से शाह साहब, मैं साईं मुराद अली शाह साहब का यहाँ पे शुक्रिया अदा ना करूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर और मेरे कायद की सपोर्ट, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सपोर्ट के बगैर हम ये सारे काम नहीं कर पाते। मगर उनकी मुसलसल हमेशा में हमें सपोर्ट रही है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं और इस चीज़ में हम बिलीव करते हैं कि आर्ट, इल्म, अदब और तख्लीक जो है वो इंसान की असल असास है, जो इंसान को इंसान बनाती है। सिखाया वो तो मैं बोलता हूँ, और जो इन्होंने नहीं सिखाया वो मैं और अमर भाई आपस में बैठ के शाम में चाय की प्याली पे गुफ्तगू करते हैं। इफ्तिखार भाई हमारे ज़ाहिर है उर्दू शायरी और उर्दू अदब और 22 ग्रेड के बहुत सारे अदारों के सरबराह भी रहे, और बहुत कुर्बत फैज साहब से, ज़ारा अब्बास से, सभी से रही, मेरे डायरेक्ट उस्ताद। So speak English. So how do we comfortably navigate a more complex linguistic landscape while maintaining our heritage? And I want to conclude by pointing out that here at the 15th World Ahmed Shah ne abhi jin shahron ke aur jin mulkon ke naam liye hain जहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ उनकी बेगम जाना चाहती हैं। वरना इतनी जल्दी ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। उनकी फरमाइश थी अहमद शाह ने कहा चले उर्दू कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। एक तवील अरसे से शाह साहब यहाँ हैं इस इमारत में। मैंने उनसे कहा शाह साहब अब छड़ी किसी और के हाथ पे दे दें, तो कहने लगे आप नाम बताएं मैं दे देता हूँ। मैं नाम नहीं बता सका। जहाँ तक मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक है, ये एनईडी के पढ़े हुए हैं और बाहर भी तालीम हासिल की। एनईडी से पढ़े हुए ये वाहिद इंजीनियर है, वाहिद, जो पाकिस्तान में है, बाकी सारे अमेरिका में हैं, अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं। वहाँ एक किताब छपी, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, तो मैंने कहा भाई मुल्कों मुल्कों की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका आ जाए सब मिल जाएंगे। शाह साहब की बहुत तारीफ लिखी है उसमें, बे अच्छे, बेतहाशा मेहनती स्टूडेंट, तकरीर अच्छी, डिबेटर, मेहनत करने वाले, अच्छे नंबर उसे पास हुए। उन तमाम बातों के बावजूद इतने सालों से चीफ मिनिस्टर हैं, इनको बहुत आगे जाना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कह दूँ जो शायद अहमद शाह साहब ने ना कही हो, ये मुराद अली शाह साहब की मोहब्बत है इस इमारत से जिसमें आप रोज़ाना तरक्की देख रहे हैं।
अगर बुरादरी शाह चीफ मिनिस्टर नहीं हो तो ये आपको इमारत वैसी ही नज़र आती, ऐसी नहीं। शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट, शुक्रिया शाह साहब।